नमस्कार डॉक्टर कहते कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है दर्शकों इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी कोशिश रहती है आप तक स्वास्थ्य संबंधी हमेशा नई नई जानकारियां पहुंचाना गर्मी का मौसम आ गया है और गर्मी अपने साथ बहुत सारी समस्याएं भी लेकर आता है ख़ासकर हम बात करें त्वचा की तो त्वचा से संबंधित बहुत सारी समस्याएँ इन दिनों देखने को मिलती हैं तो चलिए आज हम आपको गर्मी के मौसम में त्वचा की देखभाल इस विषय पर जानकारी देने जा रहे हैं हमारे साथ विशेषज्ञ के तौर पर हैं त्वचा रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नरेंद्र अग्रवाल नमस्कार नमस्का नमस्का डॉक्टर साहब नमस्का स्वागत नमस्का है आपका स्वागत। स्वागत। तो डॉक्टर साहब जैसे कि हम देख रहे हैं गर्मी बहुत तेज़ पड़ रही है बहुत धूप भी बहुत चिलचिलाती हुई पड़ रही है तो ऐसे मौसम में हम देखते हैं कि त्वचा से संबंधित बहुत सारी समस्याएं आती हैं तो कौन कौन सी ऐसी समस्या है उस पर हम आपसे जानकारी चाहेंगे बिल्कुल गर्मी के मौसम में आमतौर पे सबसे सब कॉमन प्रॉब्लम होता है सनबर्न के या सन एलर्जी की प्रॉब्लम ज़्यादा देखने को मिलती है जो धूप के अल्ट्राइलेट रेज हैं उसकी वजह से होती है इसमें अल्ट्राइलेट ए और बी टाइप की होती हैं और एक होता है सी टाइप की भी होती है तो बी जो अल्ट्रावाट रेज़ हैं वो हमारे त्वचा को ज़्यादा हानिकारक प्रभाव करती है थोड़ी मात्रा में एलर्जी होती है तो एलर्जी सन एलर्जी कहते हैं जब ज़्यादा हो जाता है तो सनबर्न के रूप में होता है और उसके बाद होता है तो सन टैन होता है ब्लैक हो जाती है जी। तो ये आमतौर पर सन एलर्जी की से संबंधित एलर्जी कॉमन होती है दूसरी एक बहुत सारी प्रॉब्लम होती है चूँकि पसीना होता है तो उसके कारण जितने हमारे जांग के भाग में वहाँ पे सन फंगल इन्फेक्शन की प्रॉब्लम ज़्यादा देखने को मिलती है तो उनसे संबंधित भी प्रॉब्लम देखने को आती है जी। तीसरी प्रॉब्लम होती है कई बार होता है कि जो कि हम लोग बहुत सारा हमारा जो आउटफिट है वेस्टर्न टाइप का जैसे हम लोग जींस यूज़ करते हैं टाइट ड्रेसेज यूज़ करते हैं तो इन चीज़ों के कारण भी बहुत सारी बीमारियां देखने को मिलती है जैसे सिंथेटिक कपड़े पहनते हैं नायलोन के कपड़े पहनते हैं जी टाइट वियर्स पहनते हैं तो यहाँ पे हमको गर्मी के मौसम में इन चीज़ों में थोड़ा परिवर्तन करने की आवश्यकता है जी तो डॉक्टर साहब जैसे कि आपने बताया कि सन बर्न सन टेन और तीन प्रकार के आपने बताए तो ये जो समस्याएं आती हैं तो इसके लक्षण कैसे होते हैं कैसे कोई समझेगा कि इस प्रकार की समस्या आ रही है हाँ ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है सन एलर्जी जैसा मैंने पह पहले शब्द बताया सन एलर्जी तो जैसा उसका नाम ही है सन एलर्जी मतलब धूप से एलर्जी होना जी होनी तो अल्ट्राइलेट रेज होती हैं जो बी प्रकार की होती हैं वो आपकी त्वचा को नुकसान करती है ये आमतौर पर त्वचा के खुले हुए भाग पे पाया जाता है इसमें बारीक बारीक लाल लाल दाने होते हैं चकत्ते जैसे बनते हैं खासतौर पर हाथ पे होता है या माथे पे या चेहरे के भाग में देखने को मिलता है और इसमें खुजली या जलन होती है जी। और जैसे धूप में जाते हैं तो धूप में जाने के समय नहीं होती है नहीं। ये खासियत होती है जैसे आप धूप से आने के बाद ठंड में बैठते हैं या ठंडी जगह पर बैठते हैं आपको खुजली या जलन महसूस होती है थोड़े देर बाद यदि आपने ध्यान नहीं दिया तो दिन धीरे से ये सन एलर्जी से सन बर्न के रूप में हो जाती है जी। तो वहाँ की त्वचा थोड़ी मोटी या हाई हो जाती है थोड़ी थिक होने लगती है और तीसरा स्टेज होता है सन बर्न का जो पूरी ब्लैक हो जाती है या टैन हो जाती है जी, बर्न जी, नहीं जी, कहते हैं टैन कहते टैन हैं टैन कहते हैं तो ब्लैक हो जाती है जी, तो त्वचा वहाँ की मोटी लेयर हो जाती है और पूरी ब्लैक हो जाती है जैसे पूरी जल गई हो हुँ, हुँ, तो टैन मतलब जलना जी 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 तो ये त्वचा के ये तीन पार्ट होते हैं सन एलर्जी के सन एलर्जी होता है सन बर्न होता है और उसके बाद सन टैन होता है तो डॉक्टर साहब जैसे कि शुरुआती दौर पे यदि हमें लगता है कि ये सूर्य की रोशनी से ये दुष्प्रभाव पड़ रहा है तो यदि हम उसी समय कुछ तुरंत उपचार करें या क्या करना चाहिए जैसे कि वो सन टेन तक ना पहुंच पाए हाँ। तो सबसे पहले आपको सन एलर्जी होने से बचाना है जी। उसके लिए आपको गर्मी के समय में बनते तक कि यदि आप धूप से अपने को आपको बचाना है तो आपको धूप में अनावश्यक रूप से जाना आना बंद करिए जब जरूरी है जो लोग हमारे साथी है जो बाहर फील्ड वर्क करते हैं मार्केटिंग का काम करते हैं जिनको धूप में जाना आना आवश्यक है जी हाँ। तो उनको तो आपको फुल कपड़े पहन के जाएं, कॉटन के सूती के कपड़े पूरे बाही के कपड़े पहन के जाएं, जिससे आपकी त्वचा पे सूर्य का प्रभाव डायरेक्ट नहीं कम से कम हो जी लाइट कलर के कपड़े कॉटन के कपड़े इस्तेमाल करें है हाँ ना हमारे साथ ही कैप है हेलमेट या स्कार्फ का इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे ज... चश्मे आख के ऊपर गॉगल्स का इस्तेमाल सन ग्लासेज या गॉगल्स का इस्तेमाल करें जी और इसके बाद ये जरूरी है कि आप सनस्क्रीन लोशन का इस्तेमाल करें ये तो आपका फिजिकल ब्लॉकर हुआ जी इसके साथ आपको अपनी त्वचा के खुले भाग पे सनस्क्रीन का इस्तेमाल करना चाहिए जी सनस्क्रीन की बात कहें डॉक्टर साहब तो उसमें भी कुछ एस कुछ मापदंड होता है कि इतने एस का हमें सनस्क्रीन लगाना है तो उसके बारे में हम जानना चाहेंगे जी हाँ सनस्क्रीन में हर सनस्क्रीन में एक मॉइस्चर मॉइस्चराइजर फैक्टर होता है और सन प्रोटेक्शन फैक्टर होता है जिसको एस कहा जाता है कोई भी सनस्क्रीन आप मार्केट में लेते हैं तो आप ये देखिए कि उसमें एस लिखा है कि नहीं आमतौर पे जो कॉमनली मिलते हैं मॉइस्चराइजर विद सनस्क्रीन आजकल बहुत सारे मार्केट में अवेलेबल हो गए हैं उसमें जनरली 16 या 18 या 20 एस का मिलता है लेकिन जो चूँकि आपका यदि काम 10-15 मिनट का है दस पंद्रह मिनट में आपको जाके आना है तो आपको पंद्रह से अट्ठारह एस या बीस एस पी एफ का काम कर लेता है लेकिन यदि आपको तीन से चार घंटा धूप में रहना है और आपको लगातार धूप का आ, प्रभाव पड़ना है तो आपको ज्यादा एस का सनस्क्रीन लेना चाहिए जो ऑलमोस्ट तीन से तीस के आसपास का एस का थर्टी थर्टी एस का सनस्क्रीन का इस्तेमाल करना चाहिए अब यहाँ एक जरूर जा, विशेष जानकारी जरूर देना चाहूंगा कि सनस्क्रीन में भी अलग अलग टाइप के फॉर्मुलेशन होते हैं ये कुछ लोशन बेस में होते हैं कोई क्रीम बेस में होते हैं कुछ जेल, जेल बेस पे होते हैं तो ये त्वचा के ऊपर निर्भर करता है कि आपको किस प्रकार की आपकी त्वचा है अकॉर्डिंगली आपको सनस्क्रीन का इस्तेमाल करना चाहिए बिल्कुल और एक बार यदि वो क्रीम का हम इस्तेमाल करते हैं तो वो कितने घंटे तक रहता है कि हमें सन प्रोटेक्ट आ, मिलती है उससे जी हाँ नॉर्मली ये तीन से चार घंटे का एक आ, सन प्रोटेक्शन का उनका रहता है जी हालांकि आजकल कुछ कंपनी ऐसे दावा करते हैं कि उनको छः से आठ घंटे का भी होता है लेकिन हम प्रैक्टिकली माने तो हमको तीन से चार घंटा ही आपको प्रोटेक्शन मिलता है क्योंकि हम जिस वातावरण में रह रहे हैं वहाँ तापमान की मात्रा बहुत अधिक होती है हमारे आमतौर पर गर्मी में 40 से 45 डिग्री के बीच में टेम्परेचर रहता है बिल्कुल तो इस समय आप कितना भी सन प्रोटेक्शन होगा आप यदि ज़्यादा समय ये लेके गारंटी लेके नहीं चल सकते कि आपको 6 से 8 घंटा प्रोटेक्शन दे सकता है जी डॉक्टर साहब अभी आपने त्वचा के प्रकार की बात की कि त्वचा के प्रकार पर निर्भर करता है तो त्वचा के कितने प्रकार होते हैं किस प्रकार से वो प्रभाव डालता है हाँ आमतौर पे त्वचा के चार प्रकार होते हैं एक जो है सामान्य त्वचा है ना एक होती है ऑयली स्किन होती है जिसको तैली त्वचा बोलते हैं एक होती है ड्राई स्किन जिसको शुष्क त्वचा होती है और एक होती है मिक्स प्रकार की या मिक्सड टाइप की जिसमें त्वचा का कुछ भाग आपका ऑयली होता है कुछ प्रकार का कुछ भाग है ऑयली नॉर्मल भी हो सकता है और ड्राई भी हो सकता है आमतौर पर टी शेप जोन जो होता है माथे से लेकर नाक का एरिया जो है ये टी शेप में जो कहता है ये इसमें परिवर्तन होता है अच्छा हाँ तो ये मिश्रित प्रकार का कहलाता है या मिक्स टाइप का होता है तो आपकी त्वचा के ऊपर आपको सनस्क्रीन का इस्तेमाल करना चाहिए या मॉइस्चराइज़र फैक्टर मॉइस्चराइज़र क्रीम या लोशन का इस्तेमाल करना चाहिए आमतौर पर जिनके त्वचा ड्राई प्रकार की है उनको क्रीम या लोशन जो है लोशन बेस में यूज़ करना चाहिए जी। और जिनकी त्वचा जो शुष्क प्रकार की है या ड्राई प्रकार की है उनको आप क्रीम बेस पे लगा सकते हैं या जेल बेस में लगा सकते हैं उससे उनका बैलेंस रहेगा बैलेंस डॉक्टर साहब हम देखते हैं कि ऑयली जिनकी त्वचा रहती है उनको मुहासों की समस्या देखने को मिलती है तो उसके लिए वो क्या उपचार कर सकते हैं हाँ यहाँ एक बहुत इम्पोर्टेंट है गर्मी के समय में आमतौर पर लोग ठंड में तो सब कोई मॉइस्चराइजर लगाते हैं जिनको देखो वो मॉइस्चराइजर क्रीम या लोशन खरीदते हैं अपनी त्वचा में लगाते हैं क्योंकि उनको लगता है कि शुष्क हो रही है हमारी त्वचा ड्राई हो रही है लेकिन क्या होता है गर्मी में इतना पसीना होता है तो वो लोगों को लगता है कि आप मॉइस्चराइज़र की फैक्टर की ज़रूरत क्या है जी जी लेकिन जिनको पिंपल या मुहासे कील मुहासे की समस्या है इनको भी मॉइस्चराइज़र लगाना अनिवार्य है ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये स्किन को मॉइस्चराइज करता है जिससे वहाँ के जो पोर्स हैं स्वेट लैंड के पोर्स उनके वो खुलने देने से बचाता है और उसके कारण पिंपल कम हो जाते हैं यहाँ ये चीज़ ज़रूरी है हमारे साथियों को ध्यान रखना है कि पिंपल जिनको होते हैं या मुहासे होते हैं उनको मॉइस्चराइज करना गर्मी के दिनों में भी उतना ही इम्पोर्टेंट है आवश्यक होता है जी डॉक्टर साहब जिनकी ड्राई है स्किन उनको क्या विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए उसको भी हमेशा मॉइस्चराइजर लगा के रखना ही है बारह महीना लगाना चाहिए मौसम के हिसाब से कम या ज़्यादा लगा सकते हैं जिनको ड्राई होती है या ठंडी के मौसम में यदि तीन बार या चार बार यदि मॉइस्चराइजर लगा रहे हैं तो गर्मी में एक या दो बार में पर्याप्त होता है जी डॉक्टर साहब अभी हम देखते हैं कि गर्मी के दिनों में लोग जो है अपने बच्चों को स्विमिंग क्लासेस भेजते हैं या बड़े लोग भी जैसे वाटर वर्ल्ड या कहीं ऐसे जाते हैं तो उनके चेहरे पे एकदम अजीब सा कालापन दिखता है तो वो क्यों होता है आमतौर पर जो स्विमिंग पूल होते हैं उनमें जो पानी होता है उसमें क्लोरिन की मात्रा इस्तेमाल की जाती है जी जो डिस का काम करती है जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग भी यदि जब पूल का इस्तेमाल करते हैं या स्विमिंग पूल के वाटर का इस्तेमाल करता हैं तो वो दूसरे को हानिकारक प्रभाव कम करता है लेकिन कुछ लोगों की त्वचा सेंसिटिव होती है उनके कारण क्या होता है उनको उतनी मात्रा क्लोरीन की वो उनके त्वचा के मापदंड के हिसाब से उपयुक्त नहीं होती है जिसके कारण ऐसी प्रॉब्लम होती है दूसरा आप यदि स्विमिंग पूल जा रहे हैं या स्विमिंग पूल में आप प्रैक्टिस करते हैं या स्विमिंग का आनंद लेना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है लेकिन आप ये देखिए कि आप बहुत ज्यादा गर्म स्थिति में ना जाएं जी सनलाइट ना हो मतलब जो स्विमिंग पूल हो पूरे तरह कवर्ड हो अच्छा क्या होता है तापमान का परिवर्तन होता है जब आप पानी के अंदर रहते हैं तो जो तो भाग आपका त्वचा का भाग पानी के अंदर होता है वो तो ठंडा होता है लेकिन जो भाग ऊपर रहता है और खुला रहता है तो सनलाइट आती है सूर्य की किरणें होती हैं तो ऊपर का भाग जो है सन एलर्जी या सन एन होने के चांसेस बढ़ जाती जी तो यहाँ हमारे बॉडी में टेम्परेचर का वेरिएशन बहुत ज्यादा होता है तो ऐसे लोगों को ये सलाह देंगे कि आप कभी भी स्विमिंग पूल में जाते हैं आप पर्याप्त रूप से सनस्क्रीन लोशन या क्रीम का लगा के तभी आप स्विमिंग के लिए जाए यदि बच्चों एक, को भी भेजते हाँ, हैं जी, जी। तो उस पर आप सनस्क्रीन लगा के ही आप स्विमिंग पूल में जाने दीजिए जी ये बहुत अच्छी जानकारी आपने दी डॉक्टर साहब क्योंकि ये समस्या आमतौर पर अभी बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है डॉक्टर साहब एक स्किन पे हमने देखा है मस्सों की समस्या आती है खासकर कभी आँख की बिरौनियों में भी मस्से हो जाते हैं या चेहरे के कोई भी भाग में या गर्दन के आसपास बहुत मस्से दिखते हैं तो वो क्यों होता है मस्सों का एक यह है कि एक टाइप का वायरल इन्फेक्शन है जी जो एक पेपिलोमा ग्रुप ऑफ वायरसेस से होता है और ये आमतौर पर कई बार देखने को मिला है कि अनुवांशिक भी होता है जी। जैसे कई लोगों के यहाँ दादा परिवार नाना परिवार में यदि बहुत ज़्यादा मसों की शिकायत रहे तो उनमें आगे के पीढ़ी में भी कई बार देखने को मिलता है तो आपको यदि है तो आपको इसका इलाज कर लेना चाहिए अपने नज़दीक स्किन स्पेशलिस्ट से मिल इसका निदान कर लेना चाहिए इसको बहुत ज़्यादा बढ़ाना नहीं चाहिए और दूसरा चीज़ है यदि आपका वजन ज़्यादा है शरीर का तो उन पे भी विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए अच्छा आपके उसके लायक योगा है एक्सरसाइज है अपने खान पान में थोड़ा सा ध्यान देते हुए अपने वजन को कम करने का प्रयास करना चाहिए जी डॉक्टर साहब हम आपसे और भी जानकारियाँ लेंगे अभी लेते हैं एक विराम डॉक्टर कहते कार्यक्रम में एक बार फिर आपका स्वागत है आज हम आपको जानकारी दे रहे हैं गर्मी के मौसम में त्वचा की देखभाल इस विषय पर और स्किन रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नरेंद्र अग्रवाल जी हमारे साथ हैं और इससे पहले डॉक्टर साहब अभी आपने बताया था कि स्विमिंग पूल में जाते हैं जब बच्चे या बड़े जब भी जाते हैं तो कैसे त्वचा पर इसका दुष्प्रभाव पड़ता है और आपने प्रिकॉशनरी जो है कुछ लोशन लगाने की भी बात कही थी डॉक्टर साहब स्विमिंग पूल हो चाहे नदी नाले तालाब जैसे नहाते हैं गर्मी के मौसम में पानी पर बहुत ज़्यादा ध्यान जाता है लोगों का तो हम देखते फोड़े फुंसियाँ भी इन दिनों बहुत हो जाती हैं तो क्या कहना चाहेंगे आप हाँ ये भी है कि यदि पानी दूषित है तो उनके कारण फोड़े फुंसी की समस्या होती है कुछ लोगों को उसके बीज या खुजली की शिकायत भी देखने को मिलती है जी बहुत बार होता है बच्चे आते हैं जो स्विमिंग पूल में जाते हैं उसके बाद आने के बाद वो खुजली की शिकायत लेके आते हैं जी तो ये ये इसका मुख्य कारण प्रदूषित पानी है तो ये चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी ये जाके आते हैं तो एक बार अच्छे से शावर लेना चाहिए पूल से आने के बाद अच्छे से साबुन लगा के अपनी बॉडी में नहाना चाहिए ताकि जो भी आपके वो शरीर में यदि कोई दूषित पानी के कारण या जीवाणु आए हैं विषाणु आए हैं तो पूरी तरह वॉश हो जाए और आपके शरीर पर दुष्प्रभाव ना कर पाए बिल्कुल डॉक्टर साहब अब हम बात करेंगे बालों पर बालों की जो गर्मी के दिनों में पसीने बहुत आते हैं और बाल भी बहुत झड़ता है तो आ, और भी क्या क्या समस्याएं देखने को मिलती हैं बालों में हाँ ये है गर्मी के मौसम में आमतौर पे कई बार होता है डेंडफ की समस्या देखने को जिसको सामान्य रूप से रूसी कहते हैं और ये इसका रीज़न भी ये होता है कि स्किन ड्राई हो जाती है इसमें स्किन के लेयर निकलती जाती है एक लेयर बाई लेयर निकलती है तो कई बार होते पपड़ी के रूप में पड़ा रहता है जी। अब ज़्यादा कई बार आप खुजलाते हैं खुजली होती है एलर्जी होती है तो कई बार बारीक बारीक सिर के अंदर बालों के अंदर बारीक बारीक फूडियों के जैसे रहते हैं दाने जो दर्द भी करते हैं ज़्यादा आपने जोर से खिजलाया तो कई बार खून भी आने लगता है जी। और ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं तो कभी कभी पस के पॉइंट भी आ जाते हैं जिनको हम लोग सुपरफिशियल है कहते हैं तो इसमें यह ध्यान रखना चाहिए यदि आप कोई ऐसा काम करते हैं या जिम में जाते हैं या ज़्यादा वर्कआउट करते हैं पसीना आता है तो आपको बराबर एक हेड वॉश करना चाहिए बालों को बराबर शैम्पू से साफ करना ज़रूरी है और एक प्रॉपर ध्यान रखना ज़रूरी है जी। तो इनके लिए आप प्रॉपर एक शैम्पू यूज़ करिए जिनको आप इस्तेमाल नियमित रूप से कर सकें यहाँ शैम्पू में एक चीज़ ध्यान रखना चाहिए अपने साथी को कहना चाहूंगा कि बार बार शैम्पू आप बदलना नहीं चाहिए जी। कोई भी शैम्पू यूज़ करते हैं आप नियमित रूप से कम से कम दो तीन महीना इस्तेमाल करें तभी बंद कर बदलें क्या है कई साथी है हमारे क्या है इस हफ्ते ये शैम्पू लगा लिया फिर दूसरे कभी टीवी में अच्छा ऐड आ गया तो दूसरे कंपनी का लगाते हैं जी जी। सब में अलग अलग केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं कल कल केमिकल कंपोजिशन अलग अलग होता है तो कई बार होता है आपके बालों को हानिकारक प्रभाव कर देता है जिससे बाल आपके रूखे बेजान होने लगते हैं कुछ बाल टूटने की समस्या के लेके आते हैं बीच बीच में ब्रोकन हेयर्स की भी शिकायत लेके आते हैं या कुछ लोगों के बाल दो मुहे भी हो जाते हैं तो डॉक्टर साहब और अभी जैसे हम देखते हैं कि बालों में जो डाई लगाते हैं लोग तो उससे क्या दुष्प्रभाव पड़ सकता है और हाइलाइटिंग जो कराते हैं ये जो चीज़ें नई नई आ गई हैं आजकल तो क्या ये भी काफ़ी दुष्प्रभाव डालता है बालों पर जी हाँ क्या होता है हमारे बालों के ऊपर एक करेटिन की लेयर होती है जो प्रोटेक्टिव लेयर होती है हम जब भी कोई कलर करना चाहते हैं ऑयल की लेयर होती है आप कभी भी अपने बालों को देखेंगे तो वो चिकनाई रहती है उसके अंदर इसका मतलब वो क्रोटी कैरेटिन की लेयर रहती है और एक ऑयल बेस में कलर रहती है जो हमारे बालों को चमक देता है दमक देता है हमारे बाल सॉफ्ट सिल्की और अच्छे रहते हैं जब आप केमिकल इस्तेमाल करना चाहते हैं कोई भी हाईलाइट करना है या कलर करना चाहते हैं तो उसमें आजकल आता है कि एक अमोनिया फ्री वाला एक नया कंसेप्ट आया जी जी तो कहने की बात है जब तक आप उसके ऊपर केमिकल नहीं है मतलब जब तक आप अमोनिया नहीं रहेगा नहीं। वो उसको ब्लीच करता है मतलब जो उसकी करेटिन के लेयर है उसको निकालता है उसके बाद ही दूसरा कलर उसके ऊपर चढ़ता है अच्छा हाँ तो ये एक बहुत विशेष चीज़ है हालांकि बहुत सारी कंपनी आजकल अमोनिया फ्री अमोनिया फ्री लिख के आता है जी जी लेकिन उसकी एक बेसिक प्रॉपर्टी जो है वो उसको कलर तभी चढ़ेगा जब उसका भाई कोई भी चीज है तेल लगा है कोई बर्तन पे तेल लगा है या कोई भी चीज पे तेल लगा है आप उसके ऊपर कलर करना चाहेंगे पेंट करना चाहेंगे तो क्या उस पर कलर चढ़ेगा नहीं चढ़ेगा जब आप उसको साफ करेंगे कोई भी साबुन से या कोई भी ऐसी चीज से जब तक उसका ऊपर का तेल का परत नहीं निकालेंगे किसी भी प्रकार का कलर नहीं हो चढ़ेगा जी सेम कंसेप्ट यहाँ पे भी आता है तो यहाँ पे जब वो आप कैरेटिन के लेयर को डैमेज कर रहे हैं तो जब आप नियमित रूप से इस्तेमाल करते हैं तो वो आपके बालों का जो है कलर तो ला देता है टेम्पररी शॉर्ट टाइम के लिए लेकिन लॉन्ग टर्म में आपके बालों को नुकसान करता है जो प्राकृतिक रूप से हमें मिली हुई है हमारे बालों को उसको पूरी तरह से खत्म कर देता है जी तो इसके कारण फिर आगे जाके ये बहुत सारी हाँ, समस्याएं भी आ जाती हैं समस्याएं सबसे ज्यादा बाल खराब होने के रूखे होने के बेजान होने की समस्याएं होती है बहुत सारे साथी हमारे कहने लगते हैं बाल झड़ने की समस्या के साथ आते हैं जी और एक और चीज जोड़ना चाहूंगा बहुत सारे आजकल फे, नया फैशन हो गया है बाल को स्ट्रेटनिंग कराने का जी हाँ जी हाँ जी हाँ। हाँ, इस पे भी एक कहना चाहूंगा जो आयरनिंग करते हैं परमानेंट स्ट्रेटनिंग या टेम्परे स्ट्रेटनिंग ऐसा दो टाइप का कंसिडर करते हैं महिलाओं का बड़ा यंगस्टर्स में बहुत ज्यादा इसका क्रेज है तो इसमें भी जो कहूँगा जो आयरनिंग करते हैं यदि जो बालों को उन लोग कुछ पट्टियाँ होती हैं जिनके माध्यम से बाल को स्ट्रेट करते हैं वो क्या होता है एक प्रॉपर टेम्परेचर पे किया जाता है लेकिन क्या होता है कई बार कई जगह बहुत अनुभवी लोग नहीं होने की वजह से ज्यादा देर तक उसको गर्म करके स्ट्रेट करते हैं तो वो आपके बालों को फिर से नुकसान करने लगता है और ऐसा बहुत बार देखने लगता है कि ज़्यादातर आप टेम्प्ररी या परमानेंट जो भी स्ट्रेटनिंग करवाते हैं नहीं। उसके बाद एक डेढ़ महीने के बाद बाल झड़ने की समस्या बहुत लंबे समय तक देखने को मिलती है जी। और ऐसे लोग बहुत ज़्यादा दुखी रहते हैं कि बाल झमस और बहुत जल्दी वो ठीक नहीं होता है जी। और डॉक्टर साहब ये भी देखा गया है कि बालों में जो जहाँ पर वो फोड़े फुंसियां होती हैं वहां पर यदि आप नाखून से खुरच दो तो वो स्किन भी पूरी चिकनी हो जाती है फिर वापस उसमें बाल नहीं आते हैं आप चाहे लाख कोशिश कर लीजिए चाहे लाख वो कुछ भी नहीं नहीं ऐसा नहीं हा? है उस उसमें तो बाल आ जाते हैं यदि वो किसी कारण से आपने कुछ हानिकारक केमिकल इस्तेमाल कर लिया है जी जी यदि वहाँ के हेयर फॉलिकल डैमेज हो गए हैं जी तो उसमें फिर दिक्कत उसमें फिर बाल नहीं आते हैं जी तो वहां पर यदि आप देखिए हम क्या है बाल हमारे एक छोटे से पौधे के रूप में है जी हाँ। जमीन हमारी है ना बाल हमारे वहाँ पे उगते हैं यदि कोई जगह बंजर हो गई है तो वहाँ आप कितने भी आप कितने भी उपजाऊ चीजें आप डाल लीजिए खाद डाल लीजिए ये कर लीजिए तो वहाँ पे खेती नहीं हो सकती या होगी भी तो बहुत अच्छी नहीं हो सकती फसल अच्छी नहीं हो सकती सेम कंसेप्ट हमारे बालों के साथ है बिल्कुल तो आप अपने बालों को अपने स्केल्प को बहुत संभाल के रखिए अच्छा डॉक्टर साहब कई लोग तेल नहीं लगाते हैं बालों में कि तेल लगाने से ऑलरेडी सोचते हैं कि बालों में तेल है हमें मना किया जाता है तेल नहीं लगाना है जबकि हमारे बड़े बुजुर्ग जो हैं वो बाकायदा बालों में तेल लगाया करते थे तेलों की चंपी मालिश की जी हाँ जी हाँ तो इसके बारे में हम जानना चाहेंगे एक ये, ये मसाज प्रक्रिया है चंपा तेल लगाना मतलब एक टाइप की मसाज प्रक्रिया है उससे बहुत अच्छा है कि बालों के अंदर माइक्रो सर्कुलेशन बढ़ता है ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ता है जिससे बालों की ग्रोथ और डेंसिटी अच्छी होती है लेकिन अभी के समय में चूँकि हर जगह प्रदूषण है पॉल्यूशन है डस्ट बहुत होती है और अभी युवा वर्ग यदि आप बोलेंगे बहुत सारा तेल लगाओ तो नहीं लगाना चाहता है जी। मैं यहाँ सलाह दूंगा कि आप तेल लगाइए थोड़ी मात्रा में लगाइए जड़ों में लगाइए जो वहाँ चलो उसको पोषण देना वो दीजिए जब आप शैम्पू करने के पहले आप अच्छे से लगा सकते हैं रात को आप तेल अच्छे से लगा लीजिए लगे तो आप बाल को स्कार्फ से या कोई कपड़े से बांध लीजिए ऐसा लगता है तो और नेक्स्ट डे आप शैम्पू वॉश कर लीजिए बारह घंटे का भी यदि आपने नरिशमेंट दिया हफ्ते में दो बार तो भी पर्याप्त है और बाकी दिन यदि आप कर सकते हैं तो थोड़ी मात्रा जड़ों में तेल लगाइए इससे बाल आपके चिपचिपे नहीं होंगे कोई ख़राब नहीं होगा आपका स्टाइल खराब नहीं होगा जी और आप अपने कम अपने काम पे आप रेगुलर रूप से जा सकते हैं बिल्कुल डॉक्टर साहब गर्मी में खासकर हम अपनी त्वचा की देखभाल कैसे करें मतलब क्या, क्या क्या थोड़े थोड़े टिप्स जो हैं शॉर्ट में वो हम अपने दर्शकों के लिए चाहेंगे कि आप बताएं ताकि वो हेल्दी स्किन रहे और थोड़ा ग्लो भी करे स्वस्थ रहे बिल्कुल बिल्कुल सबसे पहले मैं अपने साथियों को कहना चाहूँगा कि आप प्रॉपर एक क्लिनजिंग करिए चेहरे को आप प्रॉपर फेस वॉश से या साबुन से अच्छे से दिन में तीन बार चार बार वॉश करिए क्योंकि आपके त्वचा में बार बार पसीना आता रहता है उसके वह स्वेट लेंड्स के फॉलिकल्स बंद होने लगते हैं तो आप जितने बार आप बाल चेहरे को धोएंगे उतना अच्छा होता है हफ्ते में एक बार दो बार स्क्रब कर सकते हैं अच्छा। कोई भी जैसे पुराने के तरीके बोलेंगे तो जैसे चावल का आटा है बेसन है इनके जी जी जो आप थोड़ा स्क्रब कर सकते नुश्के। हैं नुस्खे आजकल बहुत सारे मार्केट में स्क्रब भी अवेलेबल हो गए हैं जी जी। उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं एज पर योर नीड आपके पास क्या चीज़ आपके पास सहूलियत अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंगली करना चाहिए हफ्ते में एक बार या दो बार करना पर्याप्त होता है इसके साथ आप मॉइस्चराइज करिए मॉइस्चराइजर क्रीम या लोशन लगाइए जिनको साथियों का बाहर जाने का काम है वर्किंग है वो आप सनस्क्रीन लगा के जाइए नाइट में एक मॉइस्चराइजर लगा के जरूर सोएंगे और एक चीज़ और है यहाँ कहूँगा कि विटामिन सी का उपयोग अच्छे से करना चाहिए जो आप एक नेचुरल सोर्स है संतरा है मौसम्बी है नींबू है इनमें प्रचुर मात्रा में जितने साइट्रस फ्रूट्स हैं उनमें पर्याप्त मात्रा में विटामिन सी होता है इन चीजों का आप सेवन करिए नींबू आप किसी भी रूप से ले सकते हैं गर्मी का समय है आप आम का पना है या शिकंजी है उन चीजों का इस्तेमाल करिए दही है मठा है छाछ है है ना इन चीज़ों का इस्तेमाल करिए ये आपके बॉडी को आपके त्वचा को अच्छे हेल्दी करती है जी और पानी कितना पीना है पानी को आमतौर पे आठ से दस गिलास रोज पीना चाहिए जी जी है ना जो ऑलमोस्ट तीन दो से तीन लीटर होता है या चार लीटर तक पिए तो और अच्छा है जी इन चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए हेल्दी डाइट लें डाइट का बहुत ज़्यादा है सलाद है फ्रूट्स हैं और इस समय तो है तरबूजे खरबूजे जैसे हैं, आम का रस लीजिए जी जी। तो इनको आप फ्रिज में रख के ले सकते हैं जिससे आपको आनंद भी आएगा आपके शरीर में भी पोषण मिलेगा यहाँ जरूर बोलूंगा कि पके आम में आयरन की मात्रा बहुत पर्याप्त मात्रा में होता है आयरन और कैल्शियम की मात्रा जो साथी ही हमारे गाँव में रहने वाली बहनें हैं जिनको आयरन की समस्याएं या कमी हो जाती है इनके लिए नेचुरल रूप से आम का पना या आम का रस बहुत फायदेमंद होता है जी तो इनका हाँ, इस्तेमाल करना जी, चाहिए जी बहुत अच्छी जानकारी दी डॉक्टर साहब आपने कि गर्मी के मौसम में हम अपनी त्वचा की देखभाल कैसे करें आपका बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार तो दर्शकों हम उम्मीद करते हैं कि आज हमने जो आपको जानकारी दी है उसका लाभ आप अवश्य उठाएंगे। अगले कार्यक्रम में फिर मिलेंगे नमस्कार